बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आला किचन। आज हम आला किचन में मज़ेदार यम्मी यम्मी सा ठंडा ठंडा मीठा मीठा सेवइयों और फालूदा का डेजर्ट तैयार करेंगे, जिसे बनाना नहायत ही आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये और खाने में बहुत टेस्टी। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप दूध है, ये सेवइयाँ हैं 2 टेबलस्पून के करीब, और 4 या 5 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर यूज़ किया। कस्टर्ड लिया है हमने वनीला फ्लेवर का 2 टेबलस्पून, आप अपनी मर्ज़ी से दूसरा फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम दूध बॉईल करेंगे। अच्छा, दूध जैसे ही बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें शुगर। शुगर ऐड करने से कभी भी आपकी सेवइयाँ, जो आप शीरखुरमा भी बनाते हैं, तो वो फटता नहीं है। जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फट जाता है, अलहदा अलहदा हो जाता है दूध और पानी। तो सबसे पहले आप शुगर डालें और फिर उसके बाद हम सेवइयाँ ऐड करेंगे। कुछ देर इसे हम पकाएंगे, ये जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और चमचा हिलाते जाएँ। ईद पर भी बना सकते हैं, रमज़ान में आप अफ्तारी के बाद या फ्रूट चाट की जगह भी आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के रोज़े हैं तो हर दफ़ा इंसान जब रोज़ा खोलता है उसको दिल चाहता है ठंडी चीज़ हो, तो ये ठंडा ठंडा बहुत मज़े का तैयार होगा। थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा, इसके बाद मैं इसे देखें, मैंने सबसे पहले फालूदा डाला। फालूदा मैंने 4 टेबलस्पून के करीब पानी में भिगो दिया था। अब हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। ये भी आपकी पसंद है, अगर आप चाहें तो इसमें दूसरा कोई कुइस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फालूदा सेवइयाँ जो हमने तैयार करके रखी थी वो डाल दी। जेली, 2 कलर की जेली मैंने तैयार की थी इसमें, रेड एंड ग्रीन, ये ऐड कर देंगे। बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं इस तरह के डेजर्ट वगैरह तैयार हों तो। और ड्राई फ्रूट डालेंगे हम इसमें। ड्राई फ्रूट भी आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम ज़्यादा ले सकते हैं। कोकोनट डाला मैंने इसमें। इसके बाद हम इसमें बादाम पिस्ते से गार्निश कर देंगे। मज़ेदार सा हमारा डेज़र्ट तैयार है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान का महीना है, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।